Good morning everyone. Today we read lesson 10 Rocks and Soil part 3 Bingo's activity time. Take an empty glass and put some soil from a garden in it. Fill the glass with water and stir the contents with a spoon. Keep it undisturbed on a table for about 20 minutes. Now observe the glass carefully. यू विल सी द डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्म्ड इन द गांस स्टार्टिंग फ्राम द बॉटम द फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड इज ऑफ स्टोन्स एबब दिस इज द लेयर ऑफ सेंड द क्लेटल डाउन एब देंट एंड द टॉप मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ नॉट सो क्लियर वाटर एंड ह्यूमस आपको इस एक्टिविटी में एक एम्पटी ग्लास लेना है उसमें गार्डन की सोइल मिक्स करना है इसके बाद आप उसको शेक करेंगे स्पून से हिलाएंगे और ट्वेंटी मिनट्स के लिए उसे छोड़ देंगे इसके बाद आप केयरफुली ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे कि आपको पानी में डिफरेंट टाइप की लेयर्स दिखाई देंगी बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेयर आपकी स्टोन्स की रहेगी उसके ऊपर सैंड की लेयर रहेगी और उसके ऊपर क्ले की और सबसे ऊपर की जो लेयर रहेगी जिसे हम टॉप मोस्ट लेयर कहते हैं वहाँ पर क्लियर वाटर आपको नहीं दिखेगा उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होगा कंटेंट्स ऑफ सॉयल सोयल कंटेंट्स पीस ऑफ ब्रोकन रॉक्स मिनरल्स डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमस एयर एंड वाटर आपको सोयल में टूटे हुए रॉक्स खनिज सड़े गले पेड़ पौधे और जानवर जैसे कि हम ह्यूमस कहते हैं हवा और पानी इन सब चीज़ों को मिला के सॉइल बनी हुई होती है लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेंस वाटर अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल वाटर को धारण किए हुए होती है बेंगोस एक्टिविटी टाइम टेक स्वाइल इन अ पैन एंड कवर इट विद लेड रिक्वेस्ट एन एल्डर टू हीट द पैन ओवर अ लो फ्लेम एंड देन ओपन द लेड यू विल ऑब्जर्व ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द अंडर साइड ऑफ द लेड दिस शोज दैट सोइल कंटेन्स वाटर आपको एक पैन में स्वाइल लेना है और उसे लेड से ढक देना है इसके बाद आप अपने बड़ों से बोलेंगे कि उस पैन को लो फ्लेम पर गर्म कर दीजिए कुछ समय बाद आप उस लिड को खोलेंगे तो देखेंगे कि लिड के ऊपर चारों तरफ ड्रॉपलेट्स कुछ बूंदें इकट्ठा हो गई हैं जिससे पता चलता है कि सोइल में वाटर प्रेजेंट होता है बिंगोस नॉलेज बैंक द वाटर ट्रैप्ड इन सोइल इज़ कॉल्ड मॉइस्चर सॉइल में जो वाटर ट्रैप्ड रहता है उसे हम मॉइस्चर कहते हैं लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेंस एयर अब हम एक ऐसी एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें ये शो हो रहा होगा कि सॉइल में एयर भी प्रेजेंट रहती है बिंगोज एक्टिविटी टाइम टेक अ ग्लास जार एंड पुट समो एक ग्लास जार लेना है उसमें आपको सोयल रख देनी है पोर वॉटर ओवर इट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल वाइल डूइंग इट यू विल सी दैट सम बबल्स फ्लोट अप एज यू पोर्ड वाटर दिस हैपन्स बिकॉज एयर इज़ ट्रैप्ड इन द दॉयल दिस एयर एस्केप्स एज बबल्स वैन वाटर इज पोर्ड ऑन द साइल इसके बाद आप सॉइल में पानी फिल कर देंगे और जैसे ही आप पानी फिल कर रहे होंगे आप देखेंगे कि बबल्स उसमें से ऊपर आते हैं तो बबल्स जो आते हैं वो ये शो करते हैं कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है इसीलिए वो बबल्स बनते हैं और वाटर प्रेजेंट होने की वजह से उसमें एयर के बबल्स निकलते हैं जो बबल बबल्स निकलते हैं वो ये शो करते हैं कि उसमें एयर प्रेजेंट है एयर प्रेजेंट है तभी वो बबल्स बन रहे हैं वाटर में ओके तो इससे ये शो होता है कि सोइल में एयर प्रेजेंट है वाटर के साथ साथ एयर भी प्रेजेंट है नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ सोइल सोइल वेरीज इन कलर एंड कॉम्पोजिशन जो सॉयल होती है वो रचना और रंग में एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है डिफरेंट प्लेसेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न मिट्टी होती है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी क्ले एंड लोइमी ये तीन प्रकार की होती हैं सैंडी क्ले एंड लोमी सैंडी सॉइल इज़ कम्पोज ऑफ बिग सेंड पार्टिकल्स दैट हैव अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन दैम जो सैंडी सॉइल होती है उसमें सैंड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच एयर स्पेस भी बहुत कम होता है इट डज़ नॉट होल्ड मच वाटर यह अधिकतर पानी होल्ड नहीं करके रख सकती इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इट इज़ ड्राई एंड लाइट सॉइल यह सूखी हुई और हल्की मिट्टी होती है वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन सैंडी सॉइल बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जो सैंडी सॉइल में ग्रो कर पाते हैं नेक्स्ट है क्ले सॉइल इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स विद अ फ्यू एयर स्पेसिस बिटवीन दैम एंड दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर इट इज़ ए स्टिकी इन नेचर एंड प्लांट्स लाइक वीट एंड राइस ग्रो वेल इन क्ले सॉइल जो क्ले सॉइल होती है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बहुत महीन कड़ों से मिलकर बनी हुई होती है और इनके बीच जो एयर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है इन पार्टिकल्स के बीच में यह बहुत कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती हैं इट इज स्टिकी यह चिपचिपी होती हैं प्राकृतिक अवस्था से प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि वीट और राइस ये क्लेई सॉयल में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर इट इज़ द आइडल सॉयल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस जो लोएम सॉइल होती है वो सेंड और क्ले के मिक्सचर से बनी हुई होती है इसकी एयर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है दोनों ही पाई जाती है इसमें यह हवा को और जल को दोनों को ही होल्ड करके रखती है और यह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक आइडल मानी गई है इट मीन्स यह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है यह खाद का काम करती है बेंगोज चैलेंज वेयर कैन यू फाइंड सेंडी सॉइल मोस्ट कॉमनली इन फॉरेस्ट ऑन माउंटेंस और इन डेजर्ट सेंडी सॉइल अधिकतर कहाँ पाई जाती है जंगलों में पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तान में तो इसका करेक्ट आंसर है डेजर्ट यूज ऑफ सॉइल सॉइल के उपयोग सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज सॉइल कई तरीके से हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है फर्स्ट पॉइंट सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू तो प्लांट्स फॉर ग्रोथ जो सॉइल होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है सॉइल की वजह से ही प्लांट्स ग्रोथ कर पाते हैं सॉइल की वजह से ही प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं सोयल इज द हैबिटेट ऑफ मैनी टाइनी क्रिएचर्स लाइक स्नेल आर्थवॉम्स एंड वुडलाइस जो सोयल होते हैं सोइल होती है वो कई सूक्ष्म जीवों का आवास होती है घर होती है जैसे कि स्नेल आर्थवॉम एंड वुडलाइस ऐसे जीव मिट्टी में रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट सोइल प्रिवेंट्स फ्लड्स बाई एब्जॉर्बिंग रेन वाटर जो मिट्टी होती है वो बारिश के जल को सोख कर बाढ़ को रोकती है नेक्स्ट पॉइंट सोइल प्रोवाइड्स अस विद यूजफुल मिनरल्स लाइक डायमंड ग्रेफाइट ई टी सी सोइल से ही हमें कई सारे खनिज प्राप्त होते हैं जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट